कानपुर देहात के थाना मूषा नगर के पास खेत पर खड़ी गाड़ी का दरोगा ने किया चलान। जनपद कानपुर देहात की पुलिस इतनी सतर्क हो चुकी है कि इनकी नजरों से कोई बस्ता नजर नहीं आ रहा। कानपुर देहात पुलिस अब कहीं भी खड़ी गाड़ी का चलान कर देती है। मामला जनपद कानपुर देहात के थाना मूषा नगर के नगीना बागर गांव का है, जहां थाना मूषा नगर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर नगीना बागर गांव है। गांव के अखिलेश कुमार, जो कि अपने खेत पर खाद की बोरी लेकर गया था और अपने खेतों में खाद फेंक रहा था, तभी खेतों पर पहुंचे मूषा नगर थाना के बैजनाथ ने खेत में खाद फेंक रहे अखिलेश कुमार को दरोगा ने बुलाया और कहा कि हेलमेट कहाँ है, रियल कहाँ है, 1,000 रुपए दो तो चलान नहीं करूंगा। अखिलेश द्वारा पैसा न देने पर दरोगा बैजनाथ ने खड़ी मोटरसाइकिल का 1,800 रुपए का ई चलान कर दिया। क्या पुलिस को इतनी छूट मिल गई है कि वह कहीं पर भी खड़ी बाइक पर चलान कर सकते हैं? क्या योगी सरकार की पुलिस अब इसी काम के लिए है? इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता सर्वेश यादव की खास रिपोर्ट। सर खाद फेंकने गए थे बेलतू के किनारे, रास्ते के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी। ये बैद्यनाथ अपनी पर्सनल गाड़ी से गांव की तरफ जाता था, वहीं बाइक हमारी खड़ी थी, तो इसने आवाज़ दिया तो मैं वहीं से आया, बोला कि यहाँ गाड़ी तुम्हारी है? मैंने कहा जी सर हमारी है। बोला कि ड्राइवरी लाइसेंस दिखाओ। हमने ड्राइवरी लाइसेंस दिखाया, हेलमेट नहीं था। ये बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, हेलमेट कहाँ है? तो मैंने कहा हेलमेट सर नहीं है। बोला कि दो लोग हो, हेलमेट बिना हेलमेट के तुम लोग सर उसमें क्या खाद फेंकने आए थे गांव के किनारे बेलटू भाई, वहीं एक कच्चे में मोटरसाइकिल खड़ी थी। तो उसने बोला कि ऐसा करो 1,000 रुपये दो। हम लोग को किस लिए पैसे दें 1,000? तो बोला कि चालान कर जाएगा नहीं 1,800 का, नहीं 1,000 दे दो तो 800 रुपये फिर भी फायदे में रहोगे। तो हमने देने से साफ इनकार कर दिया कि मैं 1 रुपये नहीं दूँगा। और अभी हालू हाल 5-6 दिन पहले हमारे दादा की बहू को बारे में थाने में गए थे, तो ये बोला था कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं डकैती के जुर्म में अंदर कर देंगे। तो हमने सुना नहीं, वो आज उसने कर दिखाया। तो ये बोला था कि जहाँ भी जाना है तुम्हें, निरंजन ज्योति के आश्रम में या कहीं भी जाओ, हमारा कुछ कोई नहीं कर लेगा।